नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीपनेज की वायर कैसे स्कैन करते हैं। यदि आप हीरो फाइनेंस में काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले आप लोग नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। होता है कि आपका कस्टमर का सारा डिटेल, बैंक डिटेल इसमें दिया हुआ रहता है, इसको स्कैन करना होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन में जीपनेज इंटरप्राइजेज और लेंस, माइक्रोसॉफ्ट लेंस को आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आप मेरा फ़ोन में देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। जाने के बाद सिंपली आपको सर्च करना होगा, जैसा कि देख रहे हैं। इसमें टाइप करेंगे जीपनेज इंटरप्राइजेज भी लिखेंगे या जीपनेज भी सिर्फ लिखेंगे और सर्च मारेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिखा रहा है जीपनेज के, तो इसमें से आपको डाउनलोड करना कौन सा है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में आपको जीपनेज इंटरप्राइज QR जो मेरा में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। नीचे में 3 है तो उसका ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे फर्स्ट में जो है उसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा में इंस्टॉल किया है तो अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सिंपल इसमें ओपन पर क्लिक करूँगा। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, टाइप करने के बाद आपको बहुत सा ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसमें आपको करना कौन सा है। इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, जैसा कि आप गूगल लेंस देख रहे हैं तो आपको नीचे में स्क्रॉल करने के बाद देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट लेंस PDF स्कैनर। तो मेरा मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, आप में नहीं होगा तो इसको इंस्टॉल करना होगा। और दोनों एप्लीकेशन को, नेट QR को भी और माइक्रोसॉफ्ट लेंस को, दोनों को आपको परमिशन देना होगा। जैसे आपको फ़ोन में परमिशन खोजेगा, वो परमिशन को अलाउ करना होगा तभी आपको स्कैन करेगा। जैसा मेरा में देख रहे हैं अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सिंपल इसमें ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं नेट QR कैसे स्कैन होता है। इसके लिए आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ कि इसमें होता कैसे स्कैन। ID जो ID शो कर रहा है फर्स्ट में, यूजर ID और पासवर्ड, ये तीनों आपको चाहिए तभी ये ओपन होगा। तो ID नॉर्मली 5 4 0 1 होता है। यूजर ID आपको खुद पता होगा, इसमें काम कीजिएगा तो जैसे ईमेल ID या जनरेट HFCL के द्वारा यूजर ID दिया जाता है। और पासवर्ड जो भी होगा आपको पासवर्ड इसमें क्लिक करना होगा, इन तीनों की आवश्यकता आपको पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ID में 5 4 0 1 यूजर ID मेरा ईमेल ID है, तो मैं अपना ईमेल ID को इसमें टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद जैसा कि देख रहे हैं कि टाइप हो रहा, इसके बाद आप ऐप ID, यूजर ID और पासवर्ड, ये तीनों डालने के बाद आपको सिंपली नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड और सबमिट, तो सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें स्कैन बार कोड का ऑप्शन आ रहा है अपलोड मैंडेट का, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है अपलोड मैंडेट और नीचे में स्कैन बार कोड। तो आप नीचे से स्कैन बार कोड पर आपको क्लिक करना होगा। सिंपल मैं इस पर आप क्लिक करके दिखाता हूँ कि स्कैन बार कोड होता कैसे स्कैन। जैसा ही मैंने ओपन किया, देखिए नेच स्कैन कर लिया, जस्ट फ्यू सेकंड में आपका नेच स्कैन कर लेगा जैसे ही आप स्कैन बार कोड पर क्लिक करें। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऑटोमेटिक ओपन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपन हुआ ऑटोमेटिक। तो इसमें आपको एडजस्ट करना है, नेच को एडजस्ट करना है। देखिए बॉर्डर एरिया एडजस्ट हो रहा, इसको आपको एडजस्ट करने के बाद कन्फर्म का नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया तो बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको दो ऑप्शन का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, एक क्रोप और एक रोटेट का। तो रोटेट हमेशा इस डायरेक्शन में कीजिएगा, जिस जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है इसी डायरेक्शन में आप हमेशा रोटेट करके आप नेच को अपलोड कीजिएगा सिस्टम में, ऐसा रहेगा तभी वैलिड माना जाएगा, नहीं तो ऐसे तो वैलिड होता है लेकिन ये सबसे बेटर डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में फिर आप क्रोप से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि एडजस्ट सही ढंग से नहीं है बॉर्डर एरिया, तो उसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा। इसके बाद आप रोटेट कर सकते हैं सिंपली रोटेट के ऑप्शन पर, आपको यही दो ऑप्शन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं कि मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका उतना ज़रूरत नहीं है। डन, यहाँ पर डन दिखाई दे रहा है, इसको सिंपली आपको डन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं तो आपको सेव का ऑप्शन में आ जाएगा, लेकिन मोर का ऑप्शन में बहुत से दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको गैलरी को क्लिक करना होगा। जैसा कि मैंने गैलरी पर टिक लगा रखा हूँ, इसमें PDF ये सब पे नहीं लगाना है, सिर्फ गैलरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गैलरी पे क्लिक करके यहाँ सेव का एक नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ सिंपल सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको नेट आपका सिस्टम में शो करने लगेगा। जैसे यहाँ देखिए स्कैन बार कोड और सबमिट इमेज का ऑप्शन आ रहा है,
तो इसको हम समिट इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि समिट और स्कैन बारकोड का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है समिट इमेज पर। जैसे ही समिट इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम में ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड मैंडेट शो कर रहा है तो अपलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसा मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो वहाँ से ऑप्शन से लॉग आउट और चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन देता है, तो मैं यहाँ सिंपल लॉग आउट कर दूँगा। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। लॉग आउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैंसिल और यस का ऑप्शन आएगा। यस पे आपको क्लिक कीजिएगा, आपको लॉग आउट हो जाएगा और फिर आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा ऐप आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड का। सिंपली आप जो स्टार्टिंग में आप किए तो वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपको फिर से अगर अनदर नेच अपलोड करना है तो फिर से यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। अगर लॉग आउट कर दिए तब, अगर नहीं किए हैं तो आप ऑटोमेटिक जितना भी है नेच।